इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे बादशाह का नया गाना जिसका नाम है पानी पानी, जो कि 2-3 दिन पहले ही रिलीज हुआ है। कौन आ गया अब वीडियो भी नहीं देते बनाने। ओ माय गॉड, ये कौन है? ओ माय गॉड, या ओ ओ मार दिया। स्वागत है आपका FL के अंदर। गाना मैंने किया है पहले से ही डाउनलोड, तो कोई भी गाना बनाने से पहले हम करते हैं हमेशा ही उसका स्केल और BPM चेक। तो इस गाने का स्केल है G माइनर और इस गाने का BPM है 105। इस गाने को बनाने से पहले हम इसको थोड़ा सा सुनते हैं। पानी हो गई सैया ने देखा ऐसे, मैं पानी पानी हो गई। ओके, तो सबसे पहले बनाएंगे हम इस गाने की रिदम। रिदम में सबसे पहले ऐड करूंगा मैं इसमें किक। ऐसे मैं पानी पानी हो गई। मैंने इसमें 2 अलग अलग किक ऐड की है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, तो देखते हैं क्या है वो। तो नेक्स्ट एलिमेंट मेरे को सुनाई दे रहा है इसमें क्लैप। इस क्लैप को करूंगा मैं एक और क्लैप के साथ लेयर। अब मैं इसमें एक और क्लैप ऐड करूंगा जिसमें थोड़े से लोज भी होंगे। अभी भी हमारी क्लैप काफी ज्यादा वीक साउंड कर रही है, तो मैं इसमें एक और क्लैप ऐड करूंगा। इस गाने में बहुत ही ज्यादा कम एलिमेंट का यूज हुआ है, पर इस गाने में काफी ज्यादा चीजों को लेयर किया गया है, तो चलो देखते हैं। काफी हद तक हमारी क्लैप सही साउंड कर रही है। अब मैं इसमें ऐड करूंगा परकर्शन। इस प्रकर्शन को थोड़ा सा पावरफुल बनाने के लिए एक और प्रकर्शन इसमें ऐड करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इस गाने में और कौन कौन सी चीजें ऐड की गई है। मुझे इस गाने में एक टैम्बोरिन का साउंड भी सुनाई दे रहा है, तो चलो इसको ऐड करते हैं इसमें। टैम्बोरिन के बाद देखते हैं कि इस गाने में और कौन कौन से एलिमेंट है। मुझे इस गाने में एक शेकर का भी साउंड सुनाई दे रहा है, तो चलो बनाते हैं इसको भी। तो ओके, हमारी रिदम भी काफी हद तक सही साउंड कर रही है। अब देखते हैं आगे वाला एलिमेंट कि कौन सा है। अगर आप इस गाने को थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आपको इस गाने में एक अलग ही साउंड सुनाई देगा, जो कि कुछ श, 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 इस टाइप का साउंड है। तो मैं इसको जल्दी से करता हूँ रिकॉर्ड, फिर सुनाता हूँ आपको। खुद से ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ऐसा साउंड मेरे पास तो नहीं है, तो मैंने उस साउंड को कर दिया है रिकॉर्ड। अब मैं आपको सुनाता हूँ साउंड को।
इस गाने में ड्रम्स एलिमेंट सिर्फ इतने ही हैं। अब बढ़ेंगे हम मेलोडी की तरफ। अगर मैं इस गाने में मेलोडी की बात करूं तो बहुत ज्यादा कम इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है। पानी हो गई। मुझे इस गाने में एक ब्रास का साउंड सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं कि क्या है मेलोडी में। मुझे इस गाने में सुनाई दे रहा है एक सारंगी का पीस। सारंगी आप दो तरीके से अपने गानों में ऐड कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप किसी सारंगी प्लेयर को बुला के सारंगी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ऐसा है कि आप कर सकते हो किसी सारंगी के पीस को सैंपल। अगर मैं मेलोडी की बात करूं तो मुझे एक और एलिमेंट सुनाई दे रहा है जो कि है बेस। मैं पानी पानी हो गई। जहां से ड्रम स्टार्ट होते हैं इस गाने के, उससे पहले यहां पर एक रिवर्स वोकल का यूज किया गया है। यहाँ जैसे पानी हो गई। तो नेक्स्ट देखते हैं इस गाने की इंट्रो कि इंट्रो में कौन कौन से एलिमेंट प्ले किए गए हैं। उसने मुझे छुआ भी नहीं। इस गाने की इंट्रो में तीन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है। एक तो सारंगी है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट इसमें रॉड्स का साउंड है और तीसरा है फ्लूट का एक पीस बजाया गया है इसमें। तो चलो बनाते हैं जल्दी से। अगर आप यहाँ नीचे देखोगे कंट्रोल्स में तो यहाँ पर नोट की वेलोसिटी को भी ऊपर नीचे किया गया है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप फ्लूट कौन सी यूज करते हो, तो मैं करता हूँ सीरम यूज। तो सीरम में मेरे पास एक प्रीसेट है तो मैं उसे यूज करता हूँ। देखो इसका साउंड कैसा है। उसने मुझे छुआ भी नहीं, ऐसा वैसा कुछ हुआ भी नहीं। तो फाइनली ये गाना बन के हो चुका है तैयार। तो इस गाने में सिर्फ इतने ही एलिमेंट यूज किए गए हैं। तो चलो एक बार सुनते हैं इसको। उसने मुझे छुआ भी नहीं, ऐसा वैसा कुछ हुआ भी नहीं। नजर थी पहनी हुई बेचैनी, आंखों आंखों में शैतानी हो गई। सैया ने देखा ऐसे, मैं पानी पानी हो गई। आई होप आपको इस वीडियो को देख के कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो आ गई है पसंद तो जल्दी से कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक बाय जी।